बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 154 2014 का। ये पेपर है और डिपार्टमेंट है पंजाब फूड डिपार्टमेंट, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की पोस्ट के लिए पेपर हुआ था, स्केल 15। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज वो हमसे पूछ रहा है, जिसमें वो कहता है जी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच वॉज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बिगेस्ट सिटी कौन सा था पॉपुलेशन वाइज, आगे लिखा हुआ है। तो कराची पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान का बिगेस्ट सिटी था और अभी भी है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट हु विजिटेड पाकिस्तान। तो जिस पाकिस्तान को विजिट किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज। तो इसमें थोड़ा सा तजाद है इस एमसीक्यूज में, बिकॉज ऑफ अमीर ऑफ कुवैत, वो भी इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अमीर ऑफ कुवैत तो है नहीं है, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर तो आपको अमीर ऑफ कुवैत का ऑप्शन नज़र आता है तो आप उसे चूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ खाकसा तहरीक। खाकसा तहरीक जो कि 1931 को स्टार्ट हुई थी, अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा अलाहाबाद दिया था 1930 को, और उसके बाद 1931 को ये तहरीक स्टार्ट हुई थी, और स्टार्ट करने वाले थे अलामा इनायतुल्ला खान मशरकी, राइट। नेक्स्ट वन, टू होम लॉर्ड माउंट बैटन सक्सीडेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड वेवल इसका राइट आंसर है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही वाइस प्रेसिडेंट गुजरे हैं, और जिनका नाम था नूरुल अमीन सी, और इनका जो पीरियड रहा है जब तक वो मतलब के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ रहे हैं। 1971 में, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा राइट कर देता हूँ, 7 दिसंबर 1971 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और 1971 में ज्वाइन किया था उन्होंने, और ये रहे हैं 21 अप्रैल 1972 तक, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान होस्टेड द सेकंड समिट। सेकंड समिट समिट है जी ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसके मुतालिक हमने तफसीर से बात की थी कि इसके 57 मेंबर्स हैं। 1969 में ये बनी है, और इसका जो सेकंड समिट है ये हुई है जनाब 1974 में। पाकिस्तान इसे होस्ट किया था 1974 में, और इससे पहले 1969 में इसकी पहली समिट हुई थी, और वो रबत मोरक्को में हुई थी। इसकी लास्ट समिट, और अगर हम करंटली समिट की बात करते हैं, वो हुई है 2019 में, मई के मंथ में 2019 में सऊदी अरब में हुई है, ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। उसके बाद है, ट्रिलियन स्टैंड फॉर 1000 बिलियन के लिए स्टैंड होता है, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। इंडिया विन फ्रीडम वॉज रिटन बाय इंडिया विन फ्रीडम, जो कि 1988 के अराउंड अबाउट हुई थी, और ये की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हुआ द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान की जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर वो श्रीलंका की थी, सिरी मैवो बंद्रा नेक ऑफ श्रीलंका। मजलिस इज अ पार्लियामेंट ऑफ ईरान के पार्लियामेंट का नाम है जी मजलिस। अब्दुल्ला हुसैन इज अ फेमस उर्दू नॉवलिस्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। इन विच ईयर पाकिस्तान वॉन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने वॉन किया था 2019। हीथरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन लंदन में ये एयरपोर्ट मौजूद है। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार विच कंट्री यूज टू बी कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। वर्ल्ड वार, पहली वर्ल्ड वार से पहले वो टर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन मीट में ज्यादा होता है, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट, एक BC होता है बिफोर क्रिस्ट, मीन्स के हजरत ईसा के आने से पहले, और AD आपने देखा होगा अक्सर जगह पर, उसका मतलब होता है एनोडोमनी, जो कि लैटिन या ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है इन द मतलब उस जमाने में, लॉर्ड के जमाने में, क्योंकि ज्यूस जो क्रिश्चियंस हैं ये मानते हैं, इन्हों की
इजाद किया है ये एडी, तो एनो डोमनी जिसका मीनिंग यही होता है कि लॉर्ड के ज़माने में, जो कि हदीसा को नाउज़ बिल्ला खुदा का जो बेटा कहते हैं, जिससे ये है कि अगर 326 BC आता है, बिफोर क्रिस्ट आता है, इसका मतलब है कि हज़रत ईसा के आने से पहले, और अगर आ जाए AD, इट मीन्स कि हज़रत ईसा के आने के बाद। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD को पैदा हुए हैं, इट मीन ये है कि हज़रत ईसा के दुनिया में आने के 571 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने यह जहन में रखना है। BC आ जाएगा, इट मीन है कि हज़रत ईसा के आने से, ये जो आप अभी हम MCQs पढ़ रहे हैं, हज़रत ईसा के आने के 326 साल पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेडेड किया था इंडिया को 326 BC में। उसके बाद द पाकिस्तान पोइट हु वाज अवार्डेड लिनन प्राइज, और फैज़ अहमद फैज़ उनका नेम है जी, और 1962 में इन्हें लिनन प्राइज दिया गया था, 1962 में। विच इज़ द हाइएस्ट फॉरेक्स अर्नर फॉर पाकिस्तान आउट द फॉलोइंग कमोडिटीज़, कॉटन, द कैपिटल ऑफ मोरक्को, तो रबर इज़ द कैपिटल ऑफ मोरक्को। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इस्लामिक जो समिट थी 1969 में रबत में हुई थी, मोरक्को के कैपिटल में। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जैसमिन इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ड्यूरिंग बुश जूनियर प्रेजिडेंसी, निक चिने वाज अमेरिकन, ये उस वक्त वाइस प्रेजिडेंट थे बुश जूनियर प्रेजिडेंसी में। उसके बाद डेविस कप इज़ एसोसिएटेड विद दी लॉन टेनिस के लिए, किसके साथ एसोसिएट करता है। शकीरा इज़ अ फेमस फॉर सिंगिंग, इसका ए राइट आंसर आएगा। अमेरिकन हैव प्लान टू एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान, अमेरिकन का प्लान है कि वो एग्जिट हो जाए अफगानिस्तान से 2014, क्योंकि ये पेपर जो है ये 2016 का है, सॉरी 2014 का ही है, डेट्स वाई यहाँ पर 2014 के बारे में मुतलिक पूछा गया है। म्यांमार इज़ अ न्यू नेम ऑफ बर्मा। थिक एंड ग्रो रिच वाज रिटन बाय द नेपोलियन हिल। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट हैग्यू, ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान परचेज ग्वादर, इसके मतलब हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान ने ग्वादर को परचेज़ किया था ओमान से, और ये परचेजिंग की गई थी 1958 को। कैप्टन कुक वाज अ फेमस, ये फेमस क्या थे, कैप्टन कुक वाज अ फेमस ऑस्ट्रेलियन नेविगेटर, नेविगेटर, तो इसका जो ए है ये इसका राइट आंसर आएगा। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड इन 1949 को। अ मूवी ऑन कायद आजम लाइफ टाइटल जिना वाज प्रोड्यूस बाय अकबर एस अहमद ने प्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट है जी, KGB इज़ अ इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है जी, KGB। द बाला हिसार फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी, बाला हिसार फोर्ट किस सिटी में वाक़ है, ये वाक़ जी पिशावर में। बाला हिसार फोर्ट जो कि बाबर ने बनवाया था 1823 में। होमर वाज अ ग्रेट पोइट ऑफ एंशियंट ग्रीस, सी इसका राइट आंसर आएगा। हु कॉज द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917, तो लिनिन, डी इसका राइट आंसर आएगा। परमवीर चक्रा इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इंडिया का। फमूसा इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, FIA के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है जी डॉलर। एक्रा इज़ द कैपिटल ऑफ, एक्रा जो है ये कैपिटल है गना का। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजक न्यूटन ने डिस्कवर किया है। मेट्रियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ, मेट्रियोलॉजी जो है ये साइंस है वेदर का। और इस MCQs में आपको मैं बता दूं, अगर तो पेपर में आता है मेट्रो, मेट्रो ठीक है, मेट्रोलॉजी, तो अगर मेट्रोलॉजी आ जाता है तो ये होती है मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। 12 दिसंबर 2021 को होने वाले असिस्टेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये मेट्रोलॉजी या मेट्रियोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी जो है ये इसका आंसर आएगा, स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स।
MESURE, ठीक है, इसको और थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन आगे, पाकिस्तान, सॉरी ये चीज, पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्री वो है जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और नेक्स्ट वन है जी हाइट पावर लंदन इज रिनाउंड फॉर, हाइट पावर जो लंदन है ये जी लिबर्टी ऑफ स्पीच की वजह से रिनाउंड जाना जाता है जी, लिबर्टी ऑफ स्पीच। यूनियन जैक इज अ फ्लैग ऑफ विच कंट्री, यूनियन जैक जो है ये फ्लैग है जी इसका इंग्लैंड का, तो इसका जो बी आंसर ये राइट आंसर है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो बुर्ज खलीफा दुबई, ये भी उसमें FIA के एग्जाम में आ चुका है। इन द सीक्वेंस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन स्टैंड एट विच नंबर, 16 नंबर पर वो स्टैंड होते हैं जी, 16 नंबर। किंग अब्दुल्ला बिन हुसैन इज अ रूलर ऑफ जॉर्डन, सी इसका राइट आंसर आएगा। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, एशिया। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप वॉज वॉन बाय, लास्ट फीफा वर्ल्ड कप क्योंकि ये पेपर 2014 का है तो उस वक्त जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप था वो डिफरेंट था, बट अब हम बात करेंगे 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो फ्रांस है उसने विन किया था, तो हम इसको फ्रांस लगाएंगे। और साथ में आपकी सहूलत के लिए यहाँ मैं लिख दूंगा 2018 में। जैसे कि हमने फीफा के बारे में मुकम्मल डिटेल से बात की हुई है, आप बिल्कुल वो पुरानी वीडियोस को देखें, ठीक है। उसके बाद है जी जनरल अब्दुल फतेह अल सिसी इज द मिलिट्री चीफ ऑफ इजिप्ट हु लीड द रिसेंट कोप, विच कंट्री सेलिब्रेटेड 60 एनिवर्सरी ऑफ वार विक्ट्री अगेंस्ट द US ऑन 27 जुलाई 2013, तो वो है जी नॉर्थ ऑफ कोरिया। जो बाइडन इज 2014 में जो बाइडन कुछ और था, बट अब की बात करें तो जो बाइडन इज अ प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कमला हारिस है वाइस प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट वन इज द पंजाब गवर्नमेंट एंड चाइना पावर इंटरनेशनल होल्डिंग हैव साइंड अ MOU फॉर सेटिंग अप 4 कोल पावर प्लांट एट नूर शाह साहिवाल, इसका राइट आंसर आएगा ए। अंग सन क्यू इज अ म्यांमार पॉलिटिकल लीडर हैं जी, अंग सन क्यू। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी आर्टिकल आर एसेंशियल टू बिलीव इन फॉर अ मुस्लिम, तो 7 आर्टिकल्स हैं मुस्लिम को बिलीव करने के लिए। उशर मीन्स होता है जी 1/3 इज कॉल्ड द उशर मीन्स। उसके बाद है द मिनिमम अशरवर्थी प्रोडक्शन इन केस ऑफ वेल इरीगेटेड लैंड इज 24 माउंट, 24 माउंट। जबूर वाज रिवील्ड ऑन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जबूर नाजिल हुई थी। विच सूरा वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड अपॉन द होली प्रॉफिट, जो पहली सूरा सूरह अलक की पहली 5 आयात, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, ये इसकी पहली 5 आयात जो थी वो नाजिल हुई थी। विच इज द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान, सूरह अल बकरा इज द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान। एंड द शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान इज सूरतुल, जो छोटे सूरह है होली कुरान की वो है जी सूरह कौसर। और कुरान जी में टोटल 114 सूरतें हैं, ठीक है। और जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान जी में 114 बार आया है, और कुरान जी की सूरत नमल जो है इसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है, सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आई है, ठीक है। द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। और होली प्रॉफिट मोहम्मद स्पेंट इन मक्का, कितनी लाइफ जो ये थे वो मक्का में गुजारे थे, 53। एज पर इस्लामिक वोकैबलरी फिक्का मीन इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस, इसका ए राइट आंसर आएगा। इनफाक इज अ स्पेंडिंग वेल्थ फॉर द काज ऑफ इस्लाम। द हाईएस्ट नंबर ऑफ अहदीस वार नरेटेड बाई द हजरत अबू हुरैरा, FIA के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द लास्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, जो लास्ट मंथ था इस्लामिक कैलेंडर का वो कौन सा है जी, जिलहज, फर्स्ट वो है मुहर्रम, ठीक है। द बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ बदर जो कि 624 AD को हुई थी। अब आपको मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी,
एडी एनो डोमनी होता है, ठीक है, तो 624 AD। उसके बाद है जो बैटल ऑफ बदर है, ये 2 हिजरी को लड़ा, अगर हिजरी की बात करें तो ये 2 हिजरी को लड़ी गई थी और 3 हिजरी को लड़ी गई थी। अल रजी वाज अ ग्रेट, अल रजी जो है ये बहुत ग्रेट फिजिशियन थे, तो जहाँ इसका आंसर ये लिखा हुआ जी फिजिशियन। द लास्ट उम्मे खलाइफ वाज अ, तो लास्ट उम्मे खलाइफ मारवान टू ये वाज अ लास्ट उम्मे खलीफा। द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1909 आर जनरली रेफर्ड एज अ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। इसका ए राइट आंसर आएगा। हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन टू रिजोल्व द हिंदू मुस्लिम डिफेंसिस। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, ठीक है। और जो है एफ ए के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उस खातून का नाम बताना था जिसने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था, ठीक है, उसमें गई थी। तो उनके जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें सलमा तसद्दुक हुसैन भी शामिल था, ठीक है। इसके अलावा जो थे उसमें शाइस्ता इकरामुल्ला भी आई थिंक सो शामिल था। और खैर इसका हमारा कुछ जिससे सही आंसर है वो था जहां आरा शाहनवाज। जहां आरा शाहनवाज है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसका जो आंसर होगा वो जहां आरा शाहनवाज है। इसको आपने याद रखना है। मिस्टर जिना प्रेजेंटेड 14 पॉइंट इन मार्च 1929 में। और उसके बाद क्या है जी, मुस्लिम लीग सेशन हेल्ड एट दिल्ली में, तो इसका डी इसका राइट आंसर आएगा। सिंस इंडिपेंडेंस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी हैव बीन क्लोज रिलेशन टू विद द US। सी इसका राइट आंसर आएगा। द फर्स्ट पैक्ट विच पाकिस्तान साइंड विद अमेरिका वो था जी सीटो। द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग दी 1960 और 1965 वार। 1960 विच पैक्ट ट्रीटी वॉज साइंड बाय द पाकिस्तान? इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध दास महदा। द बुक टाइटल फ्रॉम जिना टू जिया वॉज रिटन बाय जस्टिस मुनीर अहमद। रशिया विड्रू फ्रॉम द अफगानिस्तान अंडर द जिनीवल एकॉर्ड। एकॉर्ड कहते हैं मुआहदा। विच इंटरनेशनल डिग्निटी है रिसेंटली ऑफर्ड मेडिटेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन कश्मीर? तो ये जी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सॉरी द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO। सी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमोस्टी इज द मोस्ट ऑपोजिट ऑफ। एनिमोस्टी ऑपोजिट पूछा है। एनिमोस्टी कहते हैं जी इसका जो एनिमी दुश्मनी नफरत हकारत, तो इसका जो मोस्ट ऑपोजिट आ जाएगा वो आ जाएगा जी ऑप्शन ए लव प्यार। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग, जो ब्राइटर साइड थिंग को देखता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। सी। उसके बाद है ये जो 82 जो हमने अभी MCQs पढ़ा है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है ना। वन वर्ड से मुराद है कि एक ही वर्ड में वो पूरा जो मीनिंग है वो बता दिया जाता है। जैसे कि ऑप्टिमिस्ट हम उस पर्सन कहते हैं जो कि ब्राइट साइड देखता है, ठीक है। फेमस करेक्टर डेविड कॉपरफील्ड वॉज अ क्रिएशन ऑफ चार्ल्स डिकन। ऑप्शन इसका जो ए है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग, तो रॉन्गली जो स्पेल्ड इसमें किया जा रहा है वो इनहेबिटेंट किया जा रहा है, क्योंकि बाकी ब्यूरोक्रेसी भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, मिडिवल भी ठीक है, इनहेबिटेंट रॉन्ग है। टू पॉइंट द फिंगर ऑफ स्कॉन, स्कॉन कहते हैं कि हकारत, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आएगा जिसका मीनिंग है डिसडेन। उसके बाद है चार्ल्स डिकन नॉवल टेल ऑफ द टू सिटीज, ये है जी हैज बीन रिटन इन दी बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन टेल ऑफ द टू सिटीज। ये अलग से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाय द, तो इसका राइट आंसर रहेगा चार्ल्स डिकन। आगे जी 87 टू कैरी द डे मीन्स टू विन अ विक्ट्री, तो इसका बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। हु इज अ प्रोलीटेरियन, तो जो प्रोलीटेरियन है ये है जी मेंबर ऑफ दी अ मेंबर ऑफ द लोएस्ट क्लास ऑफ कम्युनिटी। टू बी ग्रीन आयरन मीन्स, टू बी ग्रीन आयरन मीन्स ये दी इसका ऑप्शन आएगा सी जेलस। द एंटोनियम ऑफ द क्लियर इज 90 का इनडिस्टिंक्ट, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे जी
जब मिसल तलाश करनी है, हथेली पर सरसों जमाना, हाथों के तोते उड़ाना, नाच न जाने आंगन जैस नाच न जाने आंगन टेढ़ा सी, इसका राइट आंसर आएगा। उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर कुली कुतुब शाह था। और द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास है मंदरजा जैन में से कौन सा मजमू कलाम अहमद फराज का नहीं है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये अहमद फराज का नहीं है, बाकी अहमद फराज के हैं। मशहूर जासूसी नावल निगार इबन सफ़ी का असल नाम क्या था। उनका असल नाम असरार अहमद डी सुरिसी। लामा इकबाल की शायर आफाक नज़में शिकवा और जवाब शिकवा इनके किस मजमू कलाम में शामिल हैं, बांग दरा में शामिल हैं। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है, सबरस उर्दू की पहली नसरी किताब है। उर्दू का मशहूर अफसाना टोबा टैक्सिन किसकी तसनीफ है, सादत हसन मिंटो की तसनीफ है। उर्दू जबान में कुरान मजीद के पहले मुतरजम कौन थे, शाह वलीउल्लाह वफ़स, जिन्होंने ट्रांसलेट किया था कुरान मजीद को। उर्दू शायरी का केट्स किसे कहा जाता है, जी अहमद अख्तर शाहानी को उर्दू शायरी का केट्स कहा जाता है। तहज़ीबुल अख़लाक़ नामे रिसाले का जरा किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने किया। तो यहाँ तक फ्रेंड हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस पेपर को शेयर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके।